नमस्कार दोस्तों, अपन देख रहे हैं एमपी ग्रुप 4 एग्जाम 2023। ये पेपर है 28 जुलाई 2018 शिफ्ट 1 यानी पार्ट 5 प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं दोस्तों। क्या देख रहे हैं? प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड 2007 में एक्शन कंट्रो प्लस एस का संचालन करती है तो किसके लिए रहता है? सेव, नन ऑफ द अबव, एग्जिट, कॉपी। तो इसका आंसर सबको पता है, कंट्रो प्लस एस सेव के लिए। देखते हैं एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड है, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे, सेव डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर ओपन हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट स्काइप, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? स्काइप नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो अलग दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड 2010 में एक कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शॉर्टकट की है, सबको पता है कंट्रोल प्लस बी होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट के लिए रहता है, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए रहता है, कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए रहता है। ठीक है, बोल्ड करके मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे जी है कंट्रोल प्लस बी से अपन बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीडी एवं हार्ड डिस्क को समानतः कहा जाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? टेड टेलसन को, हरमन हॉलरिथ को, चार्ल्स बेबेज को और ब्लेज पास्कल। आंसर कौन सा होगा? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर साइंस के पितामह कहे जाते हैं। इनने अपनी लाइफ में दो इंजन डेवलप किए हैं, सन 1822 1833 में। 1822 में कौन सा किया था? डिफरेंस इंजन, और 1833 में एनालिटिकल इंजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? क्या बनाने की? सुपर स्क्रिप्ट। तो इसका फोर्थ वाला आंसर सही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। नहीं, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होती है, जिस सब स्क्रिप्ट की होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर में ही मिस्टेक है। ठीक है, तो जी गलत आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, अपन मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूं। जैसे अपन ने लिखा 10 की पावर 2, ठीक है, इसे 10 2 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, तो ये पावर लग गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है H2O। जैसे अपन H2O देंगे, H2O ये लिखा अपन ने, ठीक है, अब 2 को नीचे ले जाना है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल टू सब स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सुपर स्क्रिप्ट, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल प्लस इक्वल टू नहीं है दोस्तों, क्लियर समझ लेना इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का उपयोग के लिए किया जाता है? कैश फ्लो ओनली, ऑडिंग ओनली, फाइनेंशियल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए ऑल ऑफ द स्प्रेडशीट सब में यूज होती है। अपने की अकाउंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कार्य करना है तो स्प्रेडशीट का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एमएस एक्सेल 2010 में रिबन को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? प्रेस, कंट्रोल प्लस F1, ऑल ऑफ द अबव, डबल क्लिक ऑन एनी रिबन टैब ओनली, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द रिबन एंड देन क्लिक द मिनिमाइज, ठीक है, द रिबन ओनली। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑल ऑफ द अबव। अपन इनमें से सभी का यूज करके रिबन का क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है? टू एडजस्ट द पेज साइज और ब्रेक ओनली, एडजस्ट द पेज मार्जिन ओनली, एडजस्ट द पेज ओरिएंटेशन ओनली, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
तो आंसर कौन सा होगा, एल ऑफ, ऑल ऑफ द एबव। पेज लेआउट में जी सारे ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, पेज लेआउट में, ठीक है। पेज लेआउट में जाएंगे, ये सारे ऑप्शन दिए हैं, मार्जिन दिया है, पेज ओरिएंटेशन दिया है, साइज दिया है, ब्रेक दिया है, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में कंट्रोल प्लस ए को दबाया जाता है तो क्या होता है, पल सिलेक्ट होता है और क्या होता है, नथिंग विल बी गेट द सिलेक्ट, इट इज सिलेक्ट ओनली रो, इट इज सिलेक्ट ओनली कॉलम, इट इज सिलेक्ट द इंटायर वर्कशीट, तो पूरी वर्कशीट क्या होगी, सिलेक्ट होगी दोस्तों, ठीक है, किसके द्वारा, कंट्रोल प्लस ए, हो गई दोस्तों, क्लिक कर देंगे तो हट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एमएस एक्सेल 2007 में वह पॉइंट जहां डेटा की एक संगत शीट को अलग पेज में ब्रेक किया जा सकता है कहलाता है, ऑल ऑफ द अबव, लाइन ब्रेक ओनली, पेज ब्रेक, प्रीव्यू ओनली और स्विच ओनली, पेज ब्रेक, प्रीव्यू ओनली, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। ये व्यू टैब में जाएंगे, पेज ब्रेक प्रीव्यू दिया है तो इससे अपन ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एमएस एक्सेल 2010 में सिलेक्टेड सेल पर आउटलाइन बॉर्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ, तो कौन सा आंसर होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, सिलेक्टेड सेल पर आउटलाइन बॉर्डर बनाने की शॉर्टकट, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ठीक है, देखते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, हो सकता है डेटा लिखना पड़े अपने दोस्तों, देखते हैं, ठीक है, कुछ शॉर्टकट की इसलिए यूज नहीं हो रही है क्योंकि जब वर्जन 2007 है और उसमें 10 का दिया हुआ है तो इससे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों प्रैक्टिकल कराने में, नो सेल वेयर फाउंड, यानी सेल को फाउंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल में 2007 में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन में इरेजर का क्या उपयोग होता है, इरेजर रो एंड कॉलम्स, इरेजर रो ओनली, रेजर एंटायर पेज, रेजर कॉलम ओनली, तो क्या करता है, इरेजर रो एंड कॉलम, कहां पर, ड्रॉ बॉर्डर में, ठीक है, अपन बॉर्डर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं वहां पर, इरेजर रो एंड कॉलम, यानी दोनों पर यूज होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल 2007 में रो और कॉलम को कितनी न्यूनतम संख्या बनाई जा सकती है, एक एंड दो, ठीक है, तो कौन सा, एक एक न्यूनतम संख्या, ठीक है, तो एक एक रहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जैसे ए वन रहता है तो ए कॉलम हो गया, वन रो हो गई, रैम इज एक है, क्या है रैम, मेमोरी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम वास्तव में एमएस एक्सेल 2007 को बेसिक एप्लीकेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, किसमें, डेटाबेस में, इंटरनेट में, मल्टीमीडिया में, आईओएस में, तो किसमें, डेटाबेस में, ठीक है, डेटाबेस में सबसे ज्यादा यूज होता है एमएस एक्सेल, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने का ऑप्शन इनमें से पाया जा सकता है, इंसर्ट टैब में, होम टैब में, पेज लेआउट टैब में, फाइल टैब में, तो कौन सा होगा, फाइल टैब, फाइल टैब, ठीक है, तो ये 2007 में नहीं रहता है, ध्यान रखना, ये विशेष ध्यान रखना है, 2010 में मिलता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जी आपका, ठीक है, तो जी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया है, लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों, नमस्कार।